माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोण। देखिए, इस प्रश्न का हल, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिटन हियर कंप्लीटली। यू कैन पॉज इट और टेक ए स्क्रीनशॉट। आप इसका पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ लीजिए। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में भी इसका आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये 21 सेंटीमीटर वाली रेडियस है, त्रिज्या है। इसका चेप चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, यानी यहां पर जो एक 60 डिग्री का कोण बनाता है ये मान लीजिए, और ये चाप खींची, यहां से एक चाप खींची, ये चाप खींचने से ये जो त्रिज्या यहां है, ऐसी त्रिज्या यहां से मिलाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई, ये चाप कितनी है। मान लीजिए इसको आप ए दे दीजिए, इसको ओ दीजिए, इसको बी दीजिए, और ये सेंटर कहीं भी जो है इसके ऊपर इस लाइन को आप दे दीजिए पी। ए ओ बी पी, ये एक सेक्टर है, इसके अंदर ये चाप है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए यानी ए बी की ज्ञात करनी है आपको, व्हाट इज ए बी। आपको पता है कि किसी भी सर्किल का जो टोटल सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। हमें जो है सिर्फ इसका ज्ञात करना है ए बी का, ओके। ए बी जो है ये 60 डिग्री के कोण पे है, टोटल जो होता है 360 का होता है, तो 360 में से 60 डिग्री का ज्ञात करना है, यानी हम टोटल जो इसका टोटल लंबाई सर्कमफ्रेंस ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 2πr, यानी 2 × 22/7 × 21। ये तो टोटल आपका सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है, यानी तीन कट गया ये, यानी ये हो गया 22 × 66 और 132। ये 132 क्या हो गया, टोटल सर्कमफ्रेंस हो गया ये। इसमें से आपको 60% यानी इसको आप कीजिए 60/360, ये 360 का है, आपको सिर्फ 60 डिग्री का चाप याद करना है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6, यानी 132 में 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, ए बी है वो 22 सेंटीमीटर है, क्लियर। ये आपकी चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आप आइए पार्ट सेकंड में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है इसके द्वारा जो त्रिज्य खंड यानी सेगमेंट ये बना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सेगमेंट क्या है, 60 डिग्री का है, यानी टोटल अगर एरिया होगा जो सर्किल का उसका 1/6 होगा, 360 टोटल है, इसमें से 60 का चाहिए, यानी कि 60/360। एरिया, एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, ये निकालेंगे। यूं लिख दिया आप, 360 को काट दिया तो हो गया 1/6, पाई मतलब 22/7, आर कितना है 21, और आर का स्क्वायर है तो मतलब फिर 21, ओके। इसको हल कर लीजिए, इसको काटा आपने 2 से 11 हो गया, इसको 3 से हो गया, इसको 3 से 21 को काटा 7 हो गया, इसको 7 से 7 से काट दिया तो 11 × 21, ये रह गया 11 × 21 यानी 231, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, चाप द्वारा बन गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, छोटा वाला जो सेक्टर है, इसका एरिया हो गया 231। अब ये बड़ा वाला एरिया रह गया, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ये मेजर माइनर का हो गया। अब आप देखिए पार्ट थ्री, पार्ट टू आपका हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब आप आइए पार्ट थ्री। यहां क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा यानी ये जो जीवा है ए बी, इसके द्वारा ये वृत्त खंड बन रहा है ए पी बी, ठीक है, एरिया ऑफ ए पी बी, ये जो एरिया है आप इसको ऐसे कर दो,
हमने इसको रंगीन कर दिया, तो ए पी बी का इसका आपको एरिया ज्ञात करना है। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये जो टोटल एरिया हमने निकाला है 231 इस सेगमेंट का, इसमें से अगर आप ये त्रिभुज का एरिया निकाल दोगे, यानी ट्रायंगल ए ओ बी इसका एरिया निकाल लो और इस टोटल में से सेक्टर वाले में से इसका लेस कर दोगे, तो आपको इसका वृत्त सेगमेंट का निकल जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालोगे, ए ओ बी का कैसे निकालोगे, ए ओ बी जो है देखिए इसमें 60 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी दो भुजाएं हैं, ये दोनों समान है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये 21 है, ये 21 है, तो दोनों 21 होने की वजह से इसके आम सामने के कोण जो हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी सभी कोण जो है 60 डिग्री के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 × a² यानी यहां पर क्या होगा, √3/4 a² मतलब एक भुजा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है, 21 है यहां पर, तो 21 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये भुजा है 21, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा, कहीं कटने वाला तो है नहीं, 21 और 21 को गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 441 × √3/4, ये क्या आया, एरिया ऑफ दी ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। और टोटल सेगमेंट का एरिया कितना है, माइनर सेगमेंट जो है इसका एरिया है 231 ए पी बी ओ, ठीक है, ये जो सेगमेंट है ए पी बी ओ, ए पी बी ओ इसका एरिया 231 है, इसमें से आप इस ट्राइंगल का निकाल दो, घटा दो, 441 × √3/4, घटा दो इसको, 231 − 441 × √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही हो गया। अब आगे तो इसमें कुछ करना है नहीं, नहीं इसमें कोई कटने वाला है, नहीं इसको और छोटा कर सकते हैं, तो दिस इज द आंसर, थर्ड का आंसर आपका ये आ गया, क्लियर। फिर हमने आपको यहां पर जो है इसका सॉल्यूशन लिख के दिया है हिंदी में और अंग्रेजी में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसको भी पढ़ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।